कान में अगर कान खजुरा चल जाए तो क्या करना चाहिए? क्यों इस महिला ने अपनी पूरी बॉडी पर टैटो बनवा लिए और कैसे आप अपने घर में रखे केलों को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हो, जानेंगे आज के इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 4, अगर आप भी अक्सर फ्यूचर में होने वाली चीजों को लेकर परेशान रहते हो तो ये फैक्ट आपको चौंका देगा। दरअसल ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि हमारे फ्यूचर को लेकर जितनी भी चीजों की हम चिंता करते हैं उनमें से 85% चीजें कभी फ्यूचर में होती ही नहीं है। इसलिए कई साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमें फ्यूचर की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, ये जिस महिला की पिक्चर आप देख रहे हो, इन्हें द टैटू मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे शरीर पर 18 लाख रुपयों के टैटूज बनवा लिए हैं। दरअसल केस्टी ट्रिस्टैन नाम की इस महिला ने 5 साल पहले अपना पहला टैटू बनवाया था, जिसके बाद इन्हें टैटू बनवाने की लत लग गई और इन्हें अपनी बॉडी पर अभी कई और टैटूज बनवाने थे, पर अब इनके शरीर पर टैटूज के लिए जगह ही नहीं बची। नंबर 2, अगर आपके घर में इस तरह के कनखजूरे रहते हैं तो आप इनसे डरते होंगे, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आपके लिए इतने भी खतरनाक नहीं होते, क्योंकि कनखजूरे के काटने से आपको सिर्फ थोड़ा सा दर्द ही होगा और अगर कभी ये आपके कान में चल जाते हैं तो ज्यादातर ये अपने आप ही निकल जाते हैं, पर अगर ऐसा न हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, अगर आपके घर में रखे केले 1-2 दिन बाद ही सड़ने लगते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। इस ट्रिक के लिए आपको अपने घर में रखे केलों के ऊपर वाले हिस्से को एक प्लास्टिक की थैली से पूरी तरह बंद कर देना है। ऐसा करने से हवा केले के अंदर तक नहीं जा पाएगी और इससे केले जल्दी खराब नहीं होंगे।